दोस्तों, अगर आप सभी लोग व्हाट्सअप चलाते हैं तो आज मैं आपको व्हाट्सअप की 7 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनमें से बहुत सी ट्रिक्स आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए व्हाट्सअप की और भी वीडियो लाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखिएगा व्हाट्सअप। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जियो की वीडियो लाऊँ तो नीचे कमेंट में लिखिएगा जियो। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविशंकर पाठक और आप देख रहे हैं माय प्राइमरी सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको ये व्हाट्सएप के 7 ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मैं आपको लास्ट में एक बोनस ट्रिक बताऊंगा, वो आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी व्हाट्सएप की नई नई ट्रिक्स लाऊं, नई नई वीडियो लाऊं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में लिखिएगा व्हाट्सएप। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट्सएप के पहले ट्रिक से। तो आप लोग जानते हैं कि अगर आप किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो अगर बंदा चाहे तो अपना ब्लू टिक ऑफ करके यानी कि रीड रिसिप्ट ऑफ करके आपके मैसेज को पढ़ सकता है और आपको पता नहीं चलेगा कि उसने आपके मैसेज को पढ़ा हुआ है। यानी कि अगर वो रीड रिसिप्ट वाले इस ऑप्शन को बंद कर देता है तो आपका मैसेज पढ़ेगा तो आपको ब्लू टिक नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अगर कोई आपका मैसेज पढ़ता है और आपको पता भी नहीं चलता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसको आप ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। जैसे देखिए, इस तरह से ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करना है और उसको सेंड कर देना है। अब जैसे ही वो आपके मैसेज को पढ़ेगा, चाहे उसने ब्लू टिक को ऑफ करके रखा ही क्यों ना हो, जैसे ही आपके मैसेज को पढ़ेगा आपको यहाँ पर ब्लू टिक दिख जाएगा। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है और आपको बहुत ही ज़्यादा व्हाट्सएप के दूसरे ट्रिक की। तो अगर आप किसी को ऑडियो मैसेज भेजते हैं तो आपको यहाँ पर दबाए रखना पड़ता है। देखिए, कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए आपको दबाए रहना पड़ता है, लेकिन ऊपर आपको एक लॉक का आइकन मिलता है, ऊपर की तरफ इस तरह से स्वाइप करके इसको आप छोड़ सकते हैं और ये देखिए आपका ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। अब जैसे ही आपका ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड हो जाता है उसको आप उस बंदे को सेंड कर सकते हैं। बात करते हैं व्हाट्सएप के तीसरे ट्रिक की। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा, जाइएगा सेटिंग में और यहाँ पर जाइएगा डाटा एंड स्टोरेज यूजेज में और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा स्टोरेज यूजेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रविशंकर पाठक से सबसे ज़्यादा चैटिंग करी है, इसके बाद एयरटेल वाले नंबर से मैंने चैटिंग करी है। बात करते हैं व्हाट्सएप के चौथे ट्रिक की। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई वीडियो है और आप चाहते हैं कि उस वीडियो को कोई ना देखे और मैं उसको अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा दूँ, यानी कि अगर उस वीडियो को कोई देखता है तो उसको केवल ऑडियो सुनाई दे, वीडियो ना दिखे, तो उसको आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस कैसे बना सकते हैं? तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए स्टेटस पर क्लिक करना होगा और सबसे पहले आपको अपना वीडियो सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए ये वीडियो है, इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये केवल ऑडियो में कन्वर्ट रहे, यानी कि ये वीडियो ना दिखे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करूँगा और जो भी आपको कलर रखना है स्टेटस का रखिए, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके कुछ देर तक छोड़ दीजिए। अब देख सकते हैं कि ये जो पूरी वीडियो है ये ऑडियो में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा और आप इसको अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं। जब आप प्ले करेंगे तो केवल ऑडियो सुनाई दे। तो बात करते हैं व्हाट्सएप के 5वें ट्रिक की। तो इस ट्रिक की मदद से आप अपने व्हाट्सएप का पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने कब व्हाट्सएप अकाउंट बनाया था, आपने किसको किसको क्या क्या मैसेज भेजा है, आपने अपना व्हाट्सएप स्टेटस क्या लगाया था, आपने अपना प्रोफाइल पिक्चर क्या चेंज किया था, यानी कि आप अपने व्हाट्सएप का पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा, जाइएगा सेटिंग में, इसके बाद जाइएगा माई अकाउंट में और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट रिपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा और आपको 3 दिन के अंदर आपके व्हाट्सएप का पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा, यहीं पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आकर के उस रिपोर्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है, इसके बाद आप अपने व्हाट्सएप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्ट में देख सकते हैं।
बात करते हैं व्हाट्सएप के छठे ट्रिक की। शायद आपको इस ट्रिक को अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, बहुत ही कम लोग जानते हैं और ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसको आप अपने व्हाट्सएप में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप में कोई फ़ोटो लगाते हैं, फ़ोटो लगाने के बाद अगर आपको फ़ोटो पर कुछ लिखना हो तो आप जब लिखते हैं तो आपको अच्छा यहाँ पर फॉन्ट नहीं मिलता है। जैसे देखिए आपने यहाँ पर क्लिक किया और कुछ भी आपने टाइप कर दिया, अब देखिए यहाँ पर आपको कोई फॉन्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ से आप फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से आप इमोजी लगा सकते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट लिख सकते हैं और यहाँ से आप केवल कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके फॉन्ट को नहीं चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सा फॉन्ट दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं डन कर दे रहा हूँ, देखिए कितना नॉर्मल सा सिंपल सा दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं, ये जो है इसके फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी कलर दिख रहे हैं इन पर इस तरह से आपको क्लिक करना होगा और इस तरह से स्वाइप करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर लेफ्ट की तरफ आपको स्वाइप करना है। अब देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। अगर आप राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो देखिए इसका फॉन्ट चेंज होगा, अगर आप लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो इसका फॉन्ट चेंज होगा। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है ये रविशंकर पाठक, डन कर देते हैं। देखिए कितना मस्त लग रहा है, इसको आप जहाँ चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं और इसको आप अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगा सकते हैं। बात करते हैं व्हाट्सअप के सातवें ट्रिक के बारे में। तो ये ट्रिक अभी नया नया आया है व्हाट्सअप पर, अगर आपको डर है कि आपका कोई व्हाट्सअप मैसेज पढ़ सकता है तो आपको इसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप अपने व्हाट्सअप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो सेटिंग में जाइएगा और जाइएगा अकाउंट में, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर नीचे आइएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट लॉक का, इसको आपको ऑन कर देना है और अपना फिंगर स्कैन कर देना है। यहाँ पर जैसे स्कैन करेंगे इमिडिएटली आफ्टर 1 मिनट, तो यहाँ पर मैं इमिडिएटली रहने देता हूँ और बैक आ जाता हूँ। और जैसे ही देखिए मैं यहाँ पर व्हाट्सएप से बैक आऊँगा तो ये मेरा व्हाट्सएप लॉक हो चुका है। तो हमें करना पड़ेगा फिंगर को स्कैन, बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है। अगर आपको डर है कि आपका व्हाट्सएप मैसेज कोई पढ़ सकता है तो आप इस लॉक का जरूर इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं व्हाट्सएप के बोनस ट्रिक की, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में कुछ लिख करके फाड़ू सा स्टेटस लगाया हुआ है और आपको पसंद आ जाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसका स्टेटस कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दूँ, तो कैसे लगाएंगे? देखिए आप नॉर्मल सी भाषा जानते हैं कि मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा, लेकिन जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसका नाम आएगा, नीचे रिप्लाई आएगा, तो फिर आपको उसे क्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि साइड में आपको 3 डॉट डॉट भी दिखाई देगा, ये वाला देखिए नाम रिप्लाई 3 डॉट। तो आप कैसे स्क्रीनशॉट लेंगे कि आप उसे अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा लें और किसी को पता भी ना चले? तो सिंपल तरीका है, यहाँ पर क्लिक कीजिए उसके स्टेटस पर और साइड में इस तरह से फिंगर को दबा दीजिए, देखिए उसका नाम रिप्लाई 3 डॉट सब गायब हो गया। तो बस आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अब देखिए स्क्रीनशॉट देख लीजिए, इसमें ना उसका नाम आएगा, ना 3 डॉट आएगा, ना कुछ भी आएगा और इसको आप अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगा सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो है ना अमेजिंग ट्रिक। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत। उम्मीद करता हूँ आपको ये 7 ट्रिक्स पसंद आए होंगे। तो अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सअप पर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।